नंबर तो लेके 3 नंबर तक इधर कुर्सियां लगी हुई हैं। पहला उन्होंने नंबर लगना है, वो पहला इधर आ जाए। 1 नंबर तो लेके 3 नंबर तक पत्ती तो बुला हो गया छोटे फिर नंबर उची बोल के 48 नीचे काउंटर पे मिलते जरूर जाना है। ठीक है कार्ड सीधा करो। ठीक हो कोई दिक्कत नहीं सर की कोई दिक्कत नहीं क्या कुछ ज्यादा खा लिया कोई नहीं बाकी में सेटिंग करके करूंगा। सोच लगा
जी पूरी टीम है हर साल दी है डॉक्टर साहब पीछे आ जाए डैश वाली साइड अच्छा डॉक्टर साहब हम काम बड़ा कर एक मिनट सर जी मैं एक पीछे होना जिन्ना मर्जी हाँ जी सर सामने देख ले सर हाँ जी थोड़ा नाल हो जाए जी आप पीछे करो भी जी वेट करो सर ਉਮਰ ਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਦੀ ਕੱਪ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਟੀਮ ਰੋਡ ਦੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਟੀਮ ਰੋਡ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਤਾਏਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਸੇ ਹੁਆ ਹੈ ਵਿਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 280 ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਥਾ ਉਸਮੇਂ 8 ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 391 सर्जरीज हुई हैं ये हाईएस्ट नंबर है अब तक वर्ल्ड में जो एक दिन में या 8 घंटे 45 मिनट में किसी ने किया है और जो आपको 2-3 रोज पहले एक अवार्ड मिला था यूनिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसमें क्या था उसमें हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपीडी का रिकॉर्ड बनाया था उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा हाईएस्ट था 707 नंबर था ये एक दिन में इतनी ओपीडी कहीं नहीं हुई दूसरा उसमें हमने ना ये एक ड्राइव थी कैंसर के केसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि किसी को भी अगर टॉयलेट के रास्ते खून आता है वो ये समझता है कि उसको बवासीर है पर कैंसर में भी सेम यही सिम्टम होते हैं
तो हमने एक ड्राइव थी कि मास गैदरिंग हो, काफ़ी सारे लोग हों तो एक मैसेज पास ऑन हो जाता है सोसाइटी के अंदर, और लोगों में अवेयरनेस कैंपेन की तरह हमने इसको रन किया था कि जो अगर आपको ब्लीडिंग पर रेक्टम है या टॉयलेट में खून आता है तो सिर्फ यही ज़रूरी नहीं कि आपको बवासीर ही हो सकता है आपको कैंसर हो, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कैंसर है और आप बवासीर समझ के उसका इलाज करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ जाती है और जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, जो आज के आपके कैंप में ओटी में कितने डॉक्टर्स की टीम थी? ओटी में डॉक्टर जिसने ऑपरेट किया वो तो मैंने ही किया था, बाकी मेरे साथ मेरी वाइफ डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर हिमेश सिंह मल्ली जो हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं वो भी थे, बाकी सारा स्टाफ था। थैंक यू। उपलब्धि आपने प्राप्त की है, इसके साथ आप अकेले ही थे राणा बवासीर हॉस्पिटल या इसके साथ और भी कुछ लोगों का सहयोग है या किसी टीम का सहयोग है? इतनी बड़ी उपलब्धि अकेले प्राप्त नहीं की जा सकती, ये इसमें जो मेन रोल प्ले किया है वो विश्व जागृति मिशन और रोटरी क्लब्स नाम ने किया है, उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ एक्टिव रोल प्ले किया, उसी की वजह से ये सारा कैंपेन सक्सेसफुल हो सका और ये अचीवमेंट हो सकी है। थैंक यू।